हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। सो एक गुड न्यूज के साथ में आज के सेशन की अपन शुरुआत करेंगे। अपडेट आया है एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसलिंग की तरफ से एक अपडेट आया है, जिसमें पब्लिक नोटिस जो आया है उसमें उन्होंने बताया है कि नीट यूजी के बाद में जो एग्जाम हो रहा है उसके बाद में जिस कोर्स में आप एनरोल होने जा रहे हो उसके मेडिकल कॉलेज बढ़ाई जा रही है। साथ साथ में कुछ पुरानी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी सीट्स भी यहां पर बढ़ाई जा रही है एमबीबीएस की। तो कौन सा नोटिफिकेशन उन्होंने पब्लिश किया है उसके बारे में बात करेंगे। कौन से स्टेट में कितनी मेडिकल कॉलेज यहां से खुल रही है नई मेडिकल कॉलेज और कितनी सीट्स बढ़ रही है उसके बारे में भी आज के सेशन में अपन बात करेंगे। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आपको एनएमसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, यहां पर भी मैं आपको बता दूंगा। सो मेन जो क्वेश्चन ये है कि क्या इसी सेशन में सारी मेडिकल कॉलेज जितनी भी 112 मेडिकल कॉलेज नई मेडिकल कॉलेज है वो उनमें सेशन स्टार्ट हो जाएगा या बाद में होगा इसके बारे में भी अपन बात करते हैं। सबसे पहले अमर उजाला की अपन कटिंग देखते हैं तो लिखा है सिंपल सा कि नए सत्र में बढ़ जाएगी 112 मेडिकल कॉलेजेस, 1.08 लाख से भी ज्यादा जो होगा छात्रों का एमबीबीएस सीटों पर होगा प्रवेश। अब यहां पर ये नहीं लिखा कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो भी अपन यहां पर बात करेंगे। ठीक है, अधिसूचना जारी की गई थी उसके तहत पिछले वर्ष 18 अगस्त को आवेदन मांगे गए थे कि हॉस्पिटल्स जो है कौन कौन से चाहते हैं कि यहाँ अपने यहाँ पर एमबीबीएस कोर्स शुरू हो सकता है या शुरू करने वाले हैं, तो उनसे आवेदन मांगे गए थे। तो 112 जो टोटल संस्थान है उनको यहाँ पर क्या किया गया है, शामिल किया गया है। एनएमसी ने इन कॉलेजों के इसी शैक्षणिक क्षेत्र 2024-25 में से एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश लेने की अनुमति दी है। बताया जा रहा है कि इस साल 1.08 से अधिक लाख से भी अधिक एमबीबीएस सीटों पर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। एनएमसी के चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड ने हाल ही में नए मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस सीटों में बढ़ोतरी को लेकर आवेदन मांगे थे। ठीक है, तो नए कॉलेजेस में सबसे ज्यादा यूपी में 18 मेडिकल कॉलेज यहां पर आएंगे। बात अपन यहां पर करते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है नेशनल मेडिकल कमीशन मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन उसकी वेबसाइट पर आपको मिलेगा, एनएमसी की वेबसाइट पर आपको मिलेगा। डेटेड 14 मार्च 2024 को यह आया है। पब्लिक नोटिस में उन्होंने बात की है, सब्जेक्ट लिखा प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस फॉर यूजी एमबीबीएस कोर्स। ठीक है, यूजी की अपन बात करें, स्टार्टिंग ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस एंड इंक्रीज ऑफ एमबीबीएस सीट्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। 2024-25 का जो एकेडमिक ईयर है उसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि नए मेडिकल कॉलेज भी यहां पर ओपन हो रहे हैं, साथ साथ में जो पुरानी उसमें भी क्या हुआ सीट्स इंक्रीज यहां पर होगी। इन कंटिन्यूशन ऑफ मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड MARB जो क्या करता है कि जो भी हॉस्पिटल कहता है कि हम यहाँ पर मेडिकल कॉलेज स्टार्ट कर सकते हैं तो वहां पर वो जाता है, इंस्पेक्शन करता है क्या फैसिलिटी है नहीं है, क्या वहां पर प्रोफेसर वगैरह अवेलेबल है या नहीं है, ओपीडीज कितनी है, आईपीडीज कितनी जिस पर प्रैक्टिस की जा सके, वो सारा सब कुछ वहां पर देखा जाता है। उसके बाद में रेटिंग की जाती है, ठीक है, तो वो है MARB बोर्ड जो आपका, वो आपको रेट करता है अलग अलग पॉइंट्स के बेसिस पे। तो उन्होंने नोटिस जो है 6 मार्च 2024 को जो अपडेट किया था एनएमसी की वेबसाइट पर, तो ये सिंपल सा लिखा है, पीजी मेडिकल कॉलेज के लिए किया था, साथ साथ में यूजी एमबीबीएस कोर्स के लिए भी किया गया था, तो ये आपके पास सिंपल सा इन्होंने लिखा है। इन दिस रिगार्ड एमएआरबी हैज सेंट ए मेल टू ईच ऑफ द एप्लीकेंट, जो भी एप्लीकेंट था चाहे प्राइवेट था चाहे गवर्नमेंट था उसको एक मेल यहाँ पर भेज दिया गया। साथ में दिस इश्यू विद द अप्रूवल ऑफ द कंपेटेंट कंपेटेंट अथॉरिटी, ठीक है, लिस्ट ऑफ एप्लीकेटेंट जो आपको भेजी गई उसकी यहाँ पर ये बात कर रहा है। अब ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि 100% जो यहाँ पर लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेज आपको बताई जा रही है उसमें 100% इसी सेशन में शुरू हो जाएगा। हाँ, काफी मेडिकल कॉलेज में सीट्स जो है इंक्रीज होगी ये कंफर्म है, कुछ मेडिकल कॉलेज है वो शुरू भी होगा इसी सेशन में 2024-2025 के लिए सेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारी खामियां रह सकती है, निकलती भी है कुछ मेडिकल कॉलेज है जिसमें, लेकिन ये तो कंफर्म है कि क्या होगा जो सीट्स है वो ओवरऑल आपका काउंसलिंग के लिए बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो ये अपने लिए क्या है प्लस पॉइंट है, खुशखबरी वाला पॉइंट है। अब इन्होंने बताया है जो क्या है न्यू एस्टेब्लिशमेंट न्यू मेडिकल कॉलेज, ठीक है, नेम ऑफ कॉलेज इन्होंने बताया, जो नई मेडिकल कॉलेज यहां पर एस्टेब्लिश होगी किसके लिए, एनएमसी ने जो ऑर्डर निकाला यूजी 2024-2025 के लिए, ठीक है, ये यूजी ही है सारे कोर्स अगर यहां पर आप देखोगे तो अब आपको करना क्या है कि यहां मैं एक एक मेडिकल कॉलेज का नाम पढ़ करके बताऊंगा तो वैसे ही सेशन लंबा हो जाएगा। आपको एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर जो नोटिफिकेशन
विंडो है, वहां पर नोटिफिकेशन चल रहे हैं बार बार, तो वहां पर आपको 15 मार्च का नोटिफिकेशन ये मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आप इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, जैसे दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नजफगढ़ साउथ वेस्ट में, ठीक है, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल सेहोर, ठीक है, एमपी में ये है। सेम ऐसे यूपी में ठीक है, पुरुलिया, ये आपके पास सुल्तानपुर यूपी, तो जयपुर, ठीक है। तो अलग अलग आपको स्टेट की अलग अलग जो न्यू मेडिकल कॉलेज है वो आपको टोटल यहाँ पर देखने को मिल जाए। साथ में न्यू मेडिकल कॉलेज तो है ही, साथ में जो पुराने जो मेडिकल कॉलेज जिसमें सीट्स इंक्रीज होने का जो उन्होंने रखा है प्रस्ताव, उसके बारे में अगर अपन बात करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसी सेम पीडीएफ में, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल 112 जो हो जाएगी, कितनी नई मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर हो जाएगी। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट न्यू मेडिकल कॉलेज, ये आपके पास हो गया। नेम ऑफ कोर्स लिखा है यूजी इंक्रीज, इंक्रीज जिसमें सीट्स होगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या दे रखी है, लिस्ट आपको दे रखी है जिसमें क्या होगा, सीट्स यहां पर इंक्रीज होगी, क्लियर है। तो ये वाली जो लिस्ट से आप देख सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है आपको देखना, लेकिन ये इंफॉर्मेशन थी जो आपको बता दी है कि सीट्स यहां पर बढ़ेगी, कंफर्म बढ़ेगी। आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, किसी भी टाइप से कोई भी आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तैयारी नहीं छोड़ेंगे, सीट्स बढ़ रही है, कट ऑफ का कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कि जरूरी नहीं कि ऊपर ही जाएगा। स्टूडेंट्स 25 लाख हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ने वाले उसमें से बहुत कम है। पहले के सेशन में भी मैंने आपको बता दिया है कि नीट में 5 टाइप के स्टूडेंट्स। तो ये अपडेट है आज के लिए, अगर फिर भी किसी भी टाइप का आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अराइजन करियर अकेडमी से मिलूंगा, फेसबुक पर अराइजन करियर अकेडमी से मिलूंगा, वहां आप जुड़ सकते हैं और अपने जो डाउट है वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।